दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में एक्स फोटो किट ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हो। एक्स फोटो किट ऐप क्या और इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को आपको प्ले स्टोर में सर्च करके इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इस ऐप की 1 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग कंप्लीट है, 3+ रेटेड है, 4.4 का स्टार है। प्ले स्टोर से आप इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और बहुत ही कमाल की एडिटिंग ऐप है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे आप अपने मोबाइल में यूज़ करोगे, ओपन करोगे, ओपन करने के बाद किस तरीके से यूज़ करना, सबसे पहले गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऐड शो करेंगे तो ऐड को क्लोज करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको आर्ट वर्क, टेम्पलेट, कॉलेज, फ्री स्टाइल एडिटर, आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद बहुत सारी ऐसी टेम्पलेट मिल जाती है जिसमें सिर्फ आप अपनी फ़ोटो इंपोर्ट करके अपनी जो है फ़ोटो क्रिएट कर सकते हो, फ़ोटो बना सकते हो। बहुत सारी टेम्पलेट आपको मिल जाती है, किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करके उसमें सिर्फ आपको अपनी फ़ोटो इंपोर्ट करनी होती है और यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो है रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसके बाद रीसेट का ऑप्शन है, बॉर्डर है, फ्रेम है, बैकग्राउंड है, सेव का ऑप्शन है जहाँ से आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो डालने के लिए आपको जो यहाँ पर ऑलरेडी ये फ़ोटो है, लेकिन अगर आपको अपनी खुद की फ़ोटो डालनी है तो यहाँ से गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अपनी गैलरी पर क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और आपकी फ़ोटो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपकी इस तरीके से फ़ोटो आ जाएगी। आप सेव पर क्लिक करते ये फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट से बड़े आसानी से बहुत ही कमाल की फ़ोटो यहाँ पर आप बना सकते हो। कुछ ऐड शो करेगी तो यहाँ से आपको ऐड को कट करना है और यहाँ पर ये टेम्पलेट से आप फोटो बना सकते हो। उसके बाद आपको जो है कॉलेज का ऑप्शन है, फ्री स्टाइल है, एडिटर का ऑप्शन है जहाँ से एडिटर पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे टूल मिल जाते हैं और यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से बहुत ही कमाल की एडिटिंग एप्लीकेशन है। प्रो पर क्लिक करने के बाद इस ऐप का प्रो वर्जन भी यहाँ पर आप ले सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप इस ऐप को अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो।